अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ, क्या सोच रहा हूँ मैं? यही कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। जासूस? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखा है तो तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? है सबूत? सबूत है? हाँ है। सबूत है तो पेश करो ना, देरी किस बात की है? सबूत भी पेश करूंगी। और वो? और वो? और वो क्या? बोलो ना, और वो क्या? गीता, गीता क्या हुआ तुम्हें? गीता होश में आओ। कौन आया होगा? तरुण, क्या हुआ? अरे अरे, क्या हुआ भाभी जी को? ये चीख क्यों नहीं थी? पता नहीं क्या हुआ। गीता, क्या हुआ तुम्हें? भाभी जी, तरुण जल्दी से पानी लेकर आओ। जी भाभी। गीता, गीता होश में आओ। गीता, गीता होश में आओ। हाँ, तुम ठीक तो? आत्मा। आत्मा? कहाँ? लेकिन वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। गीता, तरुण मेरा विश्वास करो, वहां मेरे आत्मा देखी। अच्छा, हम उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहां के वॉचमैन और सेक्रेटरी को लेके वो टेरेस खुलवाते हैं। मैंने यही चलते हुए देखा था उसे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यही कहीं आसपास होगी वो आत्मा। भाभी जी, आप भी ना? अरे, आप जैसी पढ़ी लिखी औरत इस तरह की बात कर रही है? कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। होती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें किसने कहा कि आंखें धोखा नहीं खाती? कई बार हमारा मन जो देखना चाहता है उसकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जो चीजें वहां नहीं होती वो भी आंखों को दिखाई देती हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पागल हूं? हां, मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें कोई पागल वागल नहीं कहना चाहता। मैं जानती हूं ये सब तुम्हारी ही चाल है। हां, पहले तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगा दिया और अब ये तुम्हारा कोई दूसरा नाटक है। बस करो गीता, ना जाने तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी। वो देखो वहां पर क्या है, वो दीवार पर। ये तो खून है। हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। हेलो सीआईडी, ये देखिए सर, ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले तो मारा उस आत्मा ने। आत्मा ने? आत्मा के पास कोई चाकू वगैरह था क्या?
जो उसने मारने वाले का खून निकाल दिया। हा? मारा किसे इस आत्मा ने? यहाँ तो कोई लाश नजर नहीं आ रही। मगर खून तो है ना, फिर ये खून आया कहाँ से? खून है मगर इतना खून नहीं है जिसे लगे कि किसी को मारा गया। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? सर शायद ये खून किसी बच्चे का हो, इस छत पे खेलने आया हो और उसे चोट लग गई है। लेकिन साहब इतनी रात को कौन सा बच्चा आएगा छत पे? यहाँ रात को कोई नहीं आता। वो आत्मा ही थी सर, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। आत्मा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, मगर यहाँ कोई आया जरूर था। सच सच बताओ तुम सो तो नहीं रहे? साहब 15 मिनट के लिए मेरी आँख लग गई। अब तुम घर में जाके सोना, कल ही मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। नहीं नहीं साहब ऐसा मत करना, मैं रोज जाकर डबल ड्यूटी करता हूँ। अरे जाकर भी तुमने क्या कर लिया, फिर भी तो ये सब कुछ हुआ ना। सर हमें गीता जी की बातों पे गौर कर लेना चाहिए सर, आत्माओं का कोई भरोसा नहीं है। रेडे ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। एक काम करते हैं, इस सोसाइटी के सारे फ्लैट चेक करते हैं। चल रही थी, अचानक ऑफ हो गई। अंदर चल के देखते हैं। छुपा छुपी का खेल, बाहर निकलो समेत, बाहर निकलो। आराम से सर, आराम से, आराम से, आराम से। सर पैर में चोट लगी है। पैर में चोट लगी तो इस पलंग के नीचे छुपने की क्या जरूरत है? हा? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? डर गया था सर, कहीं आप गिरफ्तार ना कर ले। गिरफ्तार? अगर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कौन है? रात को इस तरह कौन आता है सर? सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी पत्नी की बातों पर यकीन मत कीजिए। पत्नी? ये पत्नी कहाँ से आ गई बीच में? आप लोगों को मेरी पत्नी ने नहीं भेजा? नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है? उसने उस पर झूठा केस कर दिया है कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान करता हूँ। मैं बेचारा शरीफ आदमी उसके सामने चू तक नहीं करता, उससे दहेज कैसे मांग सकता हूँ? तो तुम्हें लगता है कि दहेज लेने के इल्जाम की वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए? हाँ सर मैं तो यही समझा था, मगर आप लोग क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कोई और भी था थोड़ी देर पहले? नहीं सर मैं अकेला रहता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम छत पे गए थे? सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर, सर चोट के साथ मुझे बाथरूम जाने मुश्किल होती है, तो छत पर कैसे जाऊंगा? लिफ्ट से। इसका मतलब है छत पे मिले खून का राज इस फ्लैट में नहीं किसी और फ्लैट में। श्रेया छत पे जो खून मिला था उसे फौरन से लैब भिजवा दो, अभिजीत को बुलाओ। इतनी रात का कौन हो सकता है? 12:30। जी कहिए। अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है ऑफिसर, सब ठीक तो है? जी हमें सिर्फ इतना पूछना था कि
आपके घर में किसी को चोट तो नहीं लगी है? चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अविनाश कुछ दिनों से अस्पताल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में है। जी सर। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग के छत की वॉल पे हमें खून के छींटे मिले हैं। हमारे टेरेस पे खून के छींटे? जी। कौन कौन है आपके घर में? सर, मेरी बीवी सुषमा। सुषमा, ये मेरी बीवी सुषमा है और छोटा बेटा अमन, और जैसे मैंने आपको बताया कि अविनाश तो अस्पताल में। आप? सुषमा, ये सीआईडी ऑफिसर है, कह रहे हैं कि हमारे टेरेस के दीवार पे खून के छींटे लगे हुए। खून के छींटे? लेकिन सर, किसका हो सकता है वो खून? जी, वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फ्लैट है 601 नंबर का, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो आपके सामने खड़ा है, ये मेरा ही फ्लैट है। अच्छा अच्छा, तो दो दो फ्लैट हैं आपके? जी हाँ सर, ये फ्लैट मैंने किसी को किराए पे देके रखा हूँ। किसे दिया है किराए पे? दो लड़के हैं, विशाल और राहुल। विशाल और राहुल? हाँ, मुंबई आए कुछ मॉडल बनने के लिए। अच्छा, फ्लैट तो बंद है, कहाँ है लोग? इनका कोई ठिकाना नहीं रहता सर, बस कभी भी आ जाते हैं। मैं तो बस परेशान हो गया इनको फ्लैट देखकर। क्यों, ऐसे क्या करते हैं वो लोग? बस रात भर लाउड म्यूजिक, उछल कूद। मैं तो क्या, पूरा सोसाइटी के लोग उनसे परेशान है सर। हाँ सर, हमने तो उनको नोटिस दे दिया है, अगले महीने की 3 तारीख को छोड़ना है उनको फ्लैट। बस सर, आपके पास अगर कोई अच्छा किराएदार मिले तो बता दीजिए सर, हम तो बस परेशान हो गए इनसे। क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, पहले जरा फ्लैट तो देख ले। ये हाँ, चाबी है ना आपके पास? जी है सर। जरा दीजिए। ये लीजिए सर। शीशे के ऊपर इतने सारे खून के छींटे? सर, ऊपर छत की दीवार पे जो हमें खून के छींटे मिले थे, कहीं वो विशाल या राहुल, इन दोनों में से किसी के तो नहीं है? हो सकता है, ये खून फ्लैट के अंदर कहाँ से आया? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। विशाल और राहुल को फ्लैट देने से पहले उनके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की थी ना आपने? सर, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही तो उनको फ्लैट दी थी सर। सर, मानिक, ये देखिए सर, बेडरूम में इस बॉटल के पास इतना सारा खून पड़ा हुआ है। बॉटल पे भी खून है, लगता है ये बॉटल विशाल या राहुल के हाथ में होगी। सर, हो सकता है राहुल और विशाल का आपस में झगड़ा हुआ और उसमें से किसी को चोट लग गई और ये सारा खून उसी वजह से निकला हो। सर, लगता नहीं है, खून चोट से निकला है, देख रहा, खून के छींटे चारों तरफ, कुछ और ही हुआ यहाँ पे। आपके पास विशाल और राहुल का फोन नंबर है? जी सर। फोन लगाइए उनको, यहाँ बुलाइए, और सुनिए, उनको बताइएगा मत कि सीआईडी वाले यहाँ पे। राहुल विशाल, समझ गया? ठीक है सर। ये क्या है? पाउडर जैसा कुछ है। ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? ड्रग्स कहां से आई? ये सारी ड्रग्स? सर, ये तो लाखों की ड्रग्स होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल और विशाल ड्रग्स बेचने का धंधा करते हो? ऐसा ही लग रहा है सर। सर, ये राहुल विशाल दोनों का फोन नहीं लग रहा है। वो सब छोड़िए, ये क्या है? क्या ये सब?
सर, इतने सारे व्हाइट पाउडर? ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ये ड्रग्स का पाउडर है, ड्रग्स का। ड्रग्स? कहाँ से है ये ड्रग्स? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये भगवान में किस मुसीबत में फंस गया? सही कहा आपने, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फ्लैट आपका, किराएदार आपके, फ्लैट के अंदर खून, ड्रग्स पड़ा हुआ है और आपको कुछ पता नहीं? लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इनको ब्यूरो लेके चलो। चलो चलो, ब्यूरो लेके चलो, चलिए आप। चलो चलिए। अजीब इंसाफ है आपका, ड्रग्स मिली मेरे किराएदार के घर पे और फंस गए मैं खुद मकान मालिक। किराए का घर तो आपका ही है ना, और ये किराए का घर आपके घर के बिल्कुल बगल में, सब कुछ आपके नाक के नीचे हुआ और आपको पता तक नहीं चला। सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ सर, अगर मुझे इसके बारे में जरा सा भी कुछ मालूम होता तो मैं खुद पुलिस के पास जाता। मिस्टर राकेश, विशाल और राहुल दोनों के फोन लगातार बंद आ रहे, आप मुसीबत में फंसते ही जा रहे और इसमें से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, समझे? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, उन दोनों को मकान भाड़े पे देखकर। और तो और राकेश जी, हमें तो ये भी लगता है कि ड्रग्स का सारा व्यापार आपके फ्लैट से ही चल रहा था। क्या जवाब है आपका? मैं क्या जवाब दूं सर, इस चक्कर में मैं खुद फंसता जा रहा हूं। जी डॉक्टर साहब आइए। भाई आज तो आप वाकई बहुत ही अच्छे वक्त पर आए। क्या बात है जालू के साहब, इतनी गर्म जोशी से आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मैं गर्म जोशी से आपका स्वागत कर रहा हूँ, और वो इसलिए कि फ्रेडी साहब आज आप कम से कम अकल वाली बात करना। देखिए जालू के साहब, मैं हमेशा अकल की बात करता हूँ। देखो, टेरेस पे मिला हुआ खून और राकेश के दूसरे फ्लैट में मिला हुआ खून, ये दोनों खून राहुल या विशाल इनमें से किसी एक का है ना? कर दिया ना सत्यानाश, मुंह खोलते ही कर दिया ना सत्यानाश। क्यों? अरे हुआ ये फ्रेडी कि वो खून एक का नहीं है। एक का नहीं है? नहीं, वो खून दो लोगों का है। दो लोगों का खून? हाँ। मतलब विशाल और राहुल दोनों का खून मिला है? हाँ, टेरेस पर भी और फ्लैट पर भी दोनों खून में दो लोगों का खून शामिल है। मतलब सर, ये विशाल और राहुल दोनों जख्मी थे? जख्मी नहीं थे, ये खून जख्म का खून नहीं है। जख्म का खून नहीं है ना? नहीं, कुछ और ही है ना? बिल्कुल। क्या अभिजीत, इन लोगों को खून की खांसी हुई और ये खून उस खून की खांसी की वजह से। खून की खांसी? हाँ सचू, टेरेस और फ्लैट में से जो खून मिला है उन दोनों में से हमें थूक के सैंपल्स मिले। एक और बात, इस खून के सैंपल में हमें एक खतरनाक किस्म की ड्रग भी मिली है। तारिका, तारिका निकल, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नहीं नहीं, घबरा मत, ये उस ड्रग का ही असर, ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जरा पानी लेकर। पानी। तारिका, 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 यू ओके? सर, आ जाओ। ठीक। यू ओके? यस सर। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा छोटा सा टेस्ट है, बिना मास्क के ही हो जाएगा। कमाल है, अपना ध्यान रखना चाहिए तारिका जी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो अभी मैं ठीक हूँ अभिजीत, थैंक्स। ध्यान रखिए आप। सर वैसे इस ड्रग का नाम क्या है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? बैक्स्ट्रॉल सॉ, बहुत ही खतरनाक ड्रग है। एक बार ये ड्रग शरीर के अंदर गई, खून में शामिल हुई तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। बस सिर्फ 15 मिनट? इसका मतलब ये राहुल और विशाल, इनकी तो मौत हो चुकी होगी। बिल्कुल, दोनों मर चुके होंगे। मगर ये ड्रग इनके शरीर में गया कहां से? किसी ने जबरदस्ती दिया या खुद? एक विजीत, ये जरा बोतल के ढक्कन को गौर से देखो। तो छेद है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से किया गया ये छेद। एग्जैक्टली, ये इंजेक्शन से ही किया हुआ छेद। अभिजीत, किसी ने इंजेक्शन के जरिए इस पानी की बोतल में वो ड्रग इंजेक्ट किया बिना सील तोड़े।
और जब उन दोनों ने इसकी सील तोड़ के पानी पिया, ड्रग्स उनके शरीर में गई, खून में शामिल हुई और 15 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। लेकिन लाशें कहाँ हैं इनकी? फ्लैट के अंदर तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो बचता है टेरेस। क्या राहुल और विशाल दोनों पर खून हो गया? जी हाँ। इन दोनों की लाश मिली है आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, वही ढूंढने आए। लेकिन सर, एक बार तो आप यहाँ पे आके तलाशी लेकर जा चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ आने का क्या मतलब? सिक्योरिटी साहब, कहीं आप ही का हाथ तो नहीं है इस राहुल और विशाल के खून में? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों किसी का खून करने लगा? आपको जो करना है वो कीजिए, मैं यहाँ खामोश खड़ा रहूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो, ना तुम उन दोनों को किराए पे मकान देते, ना आज ये नौबत आती। तुम शायद भूल रहे हो कि फ्लैट देने से पहले एनओसी तुमने दी थी। ये खून के छींटे देखो, ड्रग्स की वजह से राहुल और विशाल दोनों खास रहे होंगे, तब ये खून यहाँ दीवार पे लगा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, तड़प तड़प के मरे होंगे दोनों। समझ में नहीं आता लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं, थोड़े से सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस केस में ड्रग्स लिया नहीं गया, लिया गया है उस पानी के बॉटल में। सरगर्स दीवार पर खून के छींटे उनके खांसने से आए हैं, तो इसका मतलब उस वक्त वो लोग जिंदा रहे होंगे। हाँ, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि इस ड्रग के असर से 15 मिनट में इंसान ढेर हो जाता है। इस टेरेस को अच्छी तरह से देखो, छन मारो। सर, इस टंकी के अंदर सफेद कपड़ा मिला है सर, शायद वही कपड़ा है जिसे गीता जी ने उस आत्मा को पहने हुए देखा था। सर देखो, ये क्या है? सर, यहाँ पे तो लाश है। लाश? बस। लाश देखना चाहते थे ना? आइए। तो राहुल है यार, दूसरी लाश तो नहीं है। सर सर जल्दी आइए। निकल। ऑपरेटर अंदर देखिए सर क्या है। ये देखिए सर, खुफिया जगह जैसी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। अरे दूसरी लाश यहाँ पे, मुझसे ऐसा देखा नहीं जा रहा है। ये लाश जरूर विशाल की होगी, जरा देखिए, ये विशाल ही है ना? जी सर, ये विशाल की लाश। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, दोनों लाशों को एक साथ पानी की टैंक में डाल सकता था तो फिर? हाँ सर, दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे छुपा के रखा है, एक वहाँ पे पानी की टंकी में और दूसरी यहाँ पे। मुझे लगता है वो छुपाना तो वहीं चाहता था, मगर इतने में वो लड़की गीता उसने देख लिया और आत्मा कह के चिल्लाने लगी और जल्दबाजी में घबरा कर उसने विशाल की लाश यहीं पे छुपा दी।
आशा, क्या पता चला? सर, विशाल और राहुल पिछले एक महीने से किसी रंजीत नाम के आदमी को रोज फोन करते थे। सर, ये रंजीत एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और हर रोज बागी पार्क जाता है। रंजीत बागी पार्क? सर, पार्क में तो कोई ड्रग्स बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। लगे रहो फ्रेडी, वो आएगा, जरूर आएगा। चना ले लो, चना गर्मा गर्म, चना ले लो भाई साहब, चना चना भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। अरे फर्स्ट क्लास है साहब, ले लो। सर ले लेंगे बाद में। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म, चना ले लो, चना 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 ले लो भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म, चना चना गर्मा गर्म चना। जी भाई साहब। वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ? मेरी घड़ी खराब हो गई। सवाल। अरे ये बताओ कि यहाँ पे माल कौन बेचता है? अरे साहब माफ करो, चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म। अरे भैया मुंह में दांत नहीं है, चने खिला रहे हो भाई। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म, चना चना ले लो भाई साहब, चना चना गर्मा गर्म, चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म, चना ले लो भाई साहब, चना चना गर्मा गर्म, चना ले लो भाई साहब, चना चना। श्रेया ने MMS भेजा है, इस रंजीत की कुंडली मिल गई है, फोटो भी आ गई इधर। अब तो हम बड़ी आसानी से रंजीत को पकड़ सकते। इडली खाओगे फ्रेडी? इडली? हाँ हाँ। ड्यूटी के वक्त खाने की बात मत करना। खाना सामने हो तो खा ही लेते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ साहब। आओ भाई सचिन, इडली खाते हैं, जरा इडली लगा। हाँ। कितने की इडली है? 15 रुपए प्लेट साहब। तो भाई 15 रुपए तो बहुत महंगी बेच रहे हो, सस्ता करो, 10 रुपए। ठीक है साहब, आप भी याद रखोगे, आप 10 रुपए दे देना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको ऐसी डिस्काउंट देता रहेगा तो इसका घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए ये दूसरा माल बेचता है फेटी। दूसरा वाला माल? ये आप कौन से दूसरे वाले माल की बात कर रहे हैं साहब? अरे वो ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ रंजीत बाबू, ड्रग्स। आप मेरा नाम कैसे जानते हो साहब? नाम तो क्या, हम तो तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हैं। ड्रग्स बेचता है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। ड्रग्स बेचने वाले से मुझे बहुत नफरत है। मैंने राहुल विशाल को नहीं मारा साहब, वो तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। जानते नहीं थे तो उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे फोन क्यों किए? क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह ड्रग्स बेचते थे साहब। उन दोनों को मैं ही धंधे में लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे आगे निकल गए और मुझसे सारे ग्राहक छीन लिए। और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया? नहीं साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों दुनिया में नहीं है साहब। वैसे अच्छा हुआ साहब वो दोनों मर गए, बहुत जल्दी मार्केट में वो नया ड्रग्स लेके आने वाले थे साहब। नई ड्रग्स? कौन सी? मुझे नाम नहीं मालूम साहब, तो कोई ब्राजील का ड्रग था साहब। वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि जल्दी किसी पे आजमाने वाले हैं वो ड्रग्स, अगर उसका असर सही निकला तो उन दोनों को माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये ड्रग बेस्ट ड्रग्स साहब तो नहीं? ये ड्रग्स वो किस पे आजमाने वाले? मुझे नहीं पता साहब, इस बात को 1.5 महीना हो गया साहब। मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ होगी, इसलिए वो ड्रग्स को मार्केट में नहीं ला पाए साहब। मतलब सर, वो लोग जिस पर भी ये ड्रग्स आजमाने वाले थे उसकी तबीयत तो बिगड़ गई होगी। राहुल और विशाल का ही कोई क्लाइंट होगा, उनके क्लाइंट्स के बारे में जानते हो तुम? सर आइए, आप लोग आइए, इधर खड़े हो जाओ, सब लोग लाइन लगाओ, इधर चलिए, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। ड्रग्स लेते हो तुम लोग हैं? नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हम लोग ड्रग्स लेना तो दूर, कभी हम लोग ने ड्रग्स देखा भी नहीं। हाँ सर, जरूर हमें कोई फंसा रहा है सर, हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम ड्रग्स के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे सर? अच्छा अभी पता चल जाएगा। रेडी, सबका ब्लड टेस्ट करो। नहीं सर प्लीज, हमारा टेस्ट मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी करेंगे और पॉजिटिव आने पे तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ताकि उन्हें पता तो चले जिस उम्र में भविष्य बनाना चाहिए तुम लोग ड्रग्स के अंधकार में डूब रहे हो। नहीं सर, आपसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे सर। अब बात समझ में आ गई है? देखो हमारे सारे सवालों का जवाब दो तुम लोग। पूछिए सर। ये ड्रग्स कौन देता है तुम लोगों को? सर वो राहुल और विशाल, वो लोग अपने घर में पार्टी करने के बहाने हम लोग को ड्रग्स बेचते थे। तुम लोगों को मालूम है राहुल और विशाल का खून हो गया है? खून?
सर सर हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा ये बताइए कि उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ उनसे ड्रग्स खरीदते थे और उनके कौन से दुश्मन थे या कौन दोस्त ये हमें नहीं मालूम। मगर उनका खून हुआ कैसे? बैक्स्टरल शॉप नाम के ड्रग्स से। बैक्स्टरल शॉप? हाँ, उन दोनों ने कभी ये ड्रग्स बेची थी तुम लोगों को? नहीं सर हम तो इस ड्रग का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी नहीं लिया। सर अगर ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलते और अब तक मार्केट में आए भी नहीं तो हो सकता है कि किसी सप्लायर ने ये ड्रग विशाल और राहुल को दिया। तो इस रंजीत को बुला। अभी तुम लोग जा सकते हो लेकिन याद रखना ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना है वरना। सॉरी सर हम लोग कभी ड्रग्स नहीं लेंगे और ना ही किसी आसपास के लोगों को लेने देंगे। ठीक है आइए। सर रंजीत, रंजीत बैक्स्टरल शॉप ये ड्रग कौन सप्लाई करता है? मोंटी। मोंटी? हाँ सर मोंटी पेशे से बिजनेसमैन है लेकिन उनके सफेद धंधे के पीछे ड्रग्स का काला धंधा छुपा हुआ है सर। मोंटी चलो जरा इस मोंटी से मिल लेते हैं। अरे रुकिए अरे रुकिए कहाँ जा रहे हैं आप? मोंटी साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो शाम को आइए वो अभी सो रहे हैं। कमाल है 11 बज रहे हैं और तुम्हारे मोंटी साहब कुंभकर्ण की तरह अभी भी सो रहे। आप तमीज से बात कीजिए हमारे साहब को कुंभकर्ण कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? जरा इस पे गौर फरमाएंगे। CID अब बताओ क्या कर रहे हैं आपके मोंटी साहब? वो वाकई में सो रहे हैं क्योंकि रात को देर रात तक पार्टी करते हैं और फिर दोपहर के बाद ही उठते हैं। अच्छा चलो आज देख लेते हैं कैसी नींद है तुम्हारे साहब की। तुम्हारे मोंटी साहब? मोंटी साहब तो ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। ऊपर? हाँ सर। चलो दिखाओ। कहाँ पे? सर इस तरफ। ये सर। मोंटी साहब? मोंटी साहब दरवाजा खोलिए। मोंटी साहब? पीछे आओ जरा। पीछे आओ। देखा सर मोंटी साहब के ठाट बाट शराब का ग्लास हाथ में लेके ही सो गए। जगाओ इसे, इसे पूछताछ करनी है। मोंटी, ओए मोंटी, ए मोंटी, उठ। लगता है बड़ी गहरी नींद में। शराब पीते पीते सो गया। अरे खून। सब देख के तो लगता है कि इसकी मौत भी उसी ड्रग से हुई है जिस ड्रग से विशाल और राहुल की मौत हुई थी। विशाल और राहुल को पानी में मिलाकर ड्रग दिया गया था, इसे लगता है विस्की में मिलाकर दिया गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को पता चल गया था कि हम लोग मोंटी तक पहुंच जाएंगे और उसने मोंटी को भी मार दिया? हाँ मगर है कौन ये खूनी, हर बार हमसे एक कदम आगे रहता है। आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था, इस मोंटी का खून भी उसी बैक्स्टर शॉप नाम की ड्रग से हुआ है जिससे विशाल और राहुल का खून हुआ है। और इस बार वो ड्रग इसे पानी में नहीं विस्की में मिला के दी गई है। बिल्कुल सही अभिजीत, विस्की का वो पैग जिसे पीते पीते बेचारा लंबी नींद सो गया। सर इसका मतलब खूनी मोंटी के कोई आसपास वाला ही आदमी था जो मोंटी के इतना करीब था कि उसकी विस्की में वो ड्रग मिला सके। और वो पास वाले खूनी तक पहुंचने का बस एक ही जरिया है, वो पीली इंक। पीली? अब ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं बा, ये पूरा का पूरा केस ही दिमाग को घुमा देने वाला। इस मोंटी के पेट से और विस्की के गिलास से
हमें उस ड्रग के अलावा पीली इंक के कुछ ट्रेसेस भी मिले। विस्की में पीली इंक? ये विस्की में इंक मिला के पीने का नया फैशन है क्या? अरे मेरी तरफ देख के क्यों पूछ रहा है, है? तुम्हें मालूम है ना मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। आपकी तरफ देखने का मेरा ये मतलब नहीं था सर। ठीक है ठीक है। अच्छा सर ये इंक क्या जहरीली थी जो मॉन्टी की विस्की में मिलाई गई? नहीं सचिन, ये इंक बिल्कुल जहरीली नहीं थी। अगर ये जहरीली नहीं थी तो फिर मॉन्टी की विस्की में से मिलाया क्यों? मेरे ख्याल से खूनी इस ड्रग को पीली स्याही की खाली बोतल में लेकर के आया होगा, और जब वो ड्रग पीली स्याही की बोतल में डाल रहा था तो उस बोतल में पहले से ही उस स्याही के कुछ कुछ बूंदे रही होंगी, और वो उस ड्रग के साथ साथ मिल गई, और जब उसने ड्रग विस्की में मिलाई तो ये पीली स्याही भी ड्रग के साथ साथ विस्की में घुल गई। मगर सर ये किस तरह की इंक है? मैंने आज से पहले कभी किसी को इस तरह पीली इंक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए बच्चे कि पीली इंक अधिकतर कैलीग्राफी में इस्तेमाल होती है। कैलीग्राफी? कैलीग्राफी मतलब? फ्रेडी सर, जब अक्षरों को सुंदर बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से यू घुमा कर लिखा जाए तो इस लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। अरे वाह तारिका जी, आपको कैलीग्राफी भी आती है? आपने कभी बताया नहीं। मैं भी कुछ बता दूंगा आपको। जी बताइए। ये पीली इंक बहुत कम दुकानों में मिलती है। बहुत कम दुकानों में मिलती है, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। इससे तो हमारा काम काफी आसान हो गया। एक्सक्यूज मी जी, कहिए। पीली इंक है आपके पास? कौन सी वाली? वो कैलीग्राफी वाली पीली, सुना सिर्फ आपकी दुकान पे मिलती है। हाँ। ये वाली पीली? हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? सही निशाने पे लगा आपका तीर, वरना आप घूमते रह जाते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी दुकान पे ही मिलती है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस इंक में जो सिर्फ आपकी दुकान पे मिलती है? एक तो मांग कम है, विदेशी मंगानी पड़ती है और अपने देश में बनती नहीं है। मांग कम है तो फिर तो इसे खरीदने वाले लोग भी कम ही होंगे। हाँ, दो चार जन है वही खरीदते हैं और वही खरीदने आते हैं। आप लोगों को क्या नया नया शौक लगा है कैलीग्राफी का? नहीं नहीं, हमें कैलीग्राफी का कोई शौक नहीं है, हम लोग CID से। CID? इंक नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इंक नहीं चाहिए, इंक खरीदने वाले चाहिए। आपने जिन जिन लोगों को इंक बेची है उनके नाम और नंबर है आपके पास? नाम नंबर चाहिए, इंक नहीं चाहिए। इंक नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और नंबर चाहिए, है ना आपके पास? हाँ है ना, बल्कि हम लोग तो कई बार इंक उनके घर पे देके आते हैं। वैसे बात क्या सर? ये बड़ी लंबी कहानी है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, आप बस नाम और नंबर दीजिए। हेमंत, प्रिया, अभिषेक। ये तो हमारी आंखों के सामने ही था और हम इसे देख नहीं पाए। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग यहाँ? खूनी पकड़ा गया क्या? जी हाँ, उसी को पकड़ने आए यहाँ पे। खूनी को पकड़ने आए? वो भी हमारे घर में? क्योंकि खूनी आपके घर में ही है। आप लोग फिर से आ गए, क्या बात है? देखो ना राकेश, ये लोग कह रहे हैं कि खूनी हमारे घर में है। आप कैसी बातें करते हो, जरा सोच समझ के बात कीजिए। हम सोच समझ के ही बात कर रहे हैं, खूनी आपका बेटा अमन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा अमन खूनी? जी हाँ, आपका बेटा अमन। अमन we'll be right back.
भाग रहा था? सीआईडी से भागने के सपने देखने की कोशिश बहुत मुजरिमों ने की, लेकिन आज तक ना कोई भाग पाया है ना भाग पाएगा। सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई अविनाश उसकी हालत का बदला लेने के लिए किया। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे भाई के साथ? सर, उन दोनों की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई कोमा में? हाँ सर, एक दिन मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों कह रहे थे कि बेचारा अविनाश बेवजह ही बलि का बकरा बना। उन दोनों ने वो बैक्सिलसॉर्ब नाम की जो ड्रग थी वो सबसे पहले मेरे भाई पे आजमाई। और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसी ड्रग पेस्टरल सॉप की मदद से खून पे खून करना शुरू कर दिया। पहले विशाल का, फिर राहुल का और फिर मोंटी का। हाँ सर, सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसी की मदद से वो ड्रग चुराई। और जैसे ही मौका मिला मैंने राहुल और विशाल की बोतल में मिला दी। और जैसे उनकी तबीयत खराब हुई मैं उन्हें हवा खिलाने के बहाने छत के ऊपर ले गया। और मोंटी? सर, मोंटी अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन मैं उसके घर डोनेशन मांगने के बहाने गया और वहाँ मौका पाते ही मैंने उसकी विस्की में वही ड्रग मिला दिया जिस ड्रग को बेच बेच कर वो अमीर बनना चाहता था। इतनी कम उम्र में तीन तीन खून किए तुमने, एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बिल्कुल नहीं सर। सर, अगर मेरा बस चले ना तो इस देश में हर एक ड्रग्स बेचने वाले को उसी ड्रग से मौके घाट उतार दूं। आप जानते नहीं हैं सर, इस ड्रग की वजह से ना जाने कितने घर कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है, वो कोमा में पड़ा है सर। पता नहीं वो इस कोमा से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। सर, माना कि मेरे बेटे ने तीन तीन खून किए, लेकिन जिन लोगों को इसने मारा है वो भी तो अच्छे लोग तो नहीं थे ना सर? आप भी तो उन्हें गिरफ्तारी करने वाले थे ना? ये ठीक है कि जिन लोगों को इसने मारा है वो अपराधी थे, लेकिन इंसाफ पाने का जो तरीका इसने अपनाया है वो गलत था। इसे हमारे पास आना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे सर? क्या मेरे मासूम बेटे को फांसी पे चढ़ा देंगे? देखिए, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। वैसे तीन तीन खून की सजा तो फांसी ही होती है।